मैं महेश कुमार। इस महीने पहले जुलाई में हमने अपना पहला वीडियो बनाया था, जहां की लगभग 200 दलित परिवार के लोग रहा करते थे और यहां गांव में खड़ंजा नहीं लगा हुआ था। खड़ंजा न लगने के कारण बारिश में इतना कीचड़ होता था कि एक महिला और मेरी अपनी खुद दादी ने भी इस कीचड़ में गिरने से उनका कूले के पास से पैर टूट गया। मैं महेश कुमार, अंबाई बुजुर्ग और सामने उत्तर प्रदेश की ये घटना है, जहां लगभग 1000 की आबादी है। इसमें कम से कम 200 से अधिक लोग दलित परिवार के रहते हैं। यहां राम सचिवन नाम का एक दलित व्यक्ति भी रहता है, जिसको कीचड़ में गिरने से उसका पैर टूट गया, जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके अलावा भी एक वरुणा देवी हैं, जो कि उनका भी पैर इसी कीचड़ में गिरने से टूट गया है और वो भी 2 साल तक घिसड़ घिसड़ जीती रही, उसके बाद उनका देहांत हो गया। हमारे यहाँ का रोड बन गया है, अब उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है आने जाने के। पहले कीचड़ जैसे हुआ करता था, उस तरीके अब नहीं है। कुछ महीने पहले इन्होंने वीडियो बना के दिखाया था प्रधान जी को, और हम इनके साथ मिलकर प्रधान जी से बात भी की थी कि हमारे यहाँ की खरिंजे की व्यवस्था कर दी जाए। तो प्रधान जी ने बताया था कि हाँ, ये इनके यहाँ की दिक्कत है। तो उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ की समस्या को हल करवा दिया और खरिंजा और RCC कहीं कहीं लगवा दिया। अब इससे हमारे यहाँ की समस्या दूर हो चुकी। मैं करण सिंह यादव, ग्राम प्रधान अंबाई बुजुर्ग कड़क वसम्बी। मैं वीडियो वॉलंटियर के द्वारा मैंने फिल्म देखी, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अच्छा काम करूँ। तो गांव की जो समस्याएं थी खड़ंजा की और नाली की, मैंने खड़ंजा भी सही करवा दी और जो RCC रोड डला तो मैंने डलवा दिया। इस समय नाली खड़ंजा की और RCC रोड कोई समस्या नहीं है। मैंने गांव के या अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके ग्राम प्रधान से बात किया। बात करने के बाद ये हमारे यहाँ कुछ जगह उसी लास्ट महीने में ही खड़ंजा लग गया था, लगना चालू हो गया था, जो करीब 15 दिन के अंदर खड़ंजा लग गया। और उसके करीब 2 महीने के बाद RCC रोड भी एक कुछ गलियों में ढल गया है। मैं महेश कुमार, अंबाई बुजुर्ग, कड़ा कौशाम्बी से, इंडिया अनहर्ड के लिए।